ओके जी, ये वाला पहाड़ है, इसके बाद वाली जो उतराइयां है ना और चढ़ाइयां, जो आती हुई चढ़ाइयां जाती हुई उतराइयां, तो ये थोड़ी सी डेंजरस समझी जाती हैं। चलें जी, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं गोरख की उतराइयां, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये थोड़ी सी जो है ना खतरनाक है। लेट्स सी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ऑलमोस्ट भजन, बड़ा जूसी बारबेक्यू बना है। क्या हो गया भजन? चस आ गई। हैदराबादी बारबेक्यू हम खा रहे हैं जी, रनीकोट में, जामशोर जिले में बैठ गए। ओए होए होए होए, अरे बंद करके गुंडी लगा दे। بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ويل جناب यार मैंने घड़ी कहाँ छोड़ी है? मुझे लगता है टॉप बॉक्स में मैंने डाल दी थी। हाँ नहीं, अभी मैंने इधर फ्रेश होने के लिए मैंने घड़ी उतारी थी ना, तो मैंने मैं चेक कर लूँ। घड़ी जनाब मेरे बैग भी पड़ी थी, मैंने कहा मैंने शायद वॉशरूम में उतार के रखी थी, तो वहीं शायद सिंक के ऊपर रह गई है। एनी जी, हम नीचे उतरना स्टार्ट कर दिए। कुछ उतराइयाँ काफ़ी स्टीप हैं, अब जैसे ये आप देख रहे हैं, और चढ़ाई चढ़ते हुए तो कल इतना मुझे फ़ील नहीं हुआ, लेकिन उतराई में फ़ील हो रहा है कि अच्छी खासी ये स्टीप है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह कहा जाता है ना कि गोरख की बहुत कोई हार्ड किस्म की जो है ना ऑफ रोड है, तो वो मुझे सीन नज़र नहीं आया। या तो फिर ये है कि नॉर्दर्न एरियाज में और इस तरह की ऑफ रोडिंग कर कर के ना, तो हमें शायद आदत हो गई है, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं फील हो रही। और बाकी बहुत खूबसूरत पॉइंट है जी, बहुत खूबसूरत। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कैंपिंग का सीन, मैं कैसे यहाँ पहुँचा कैंपिंग की, और बहुत ही मज़े की जगह है। मुझे खैर ठंड भी इतनी फील नहीं हुई, और यहाँ के लोग तो कहते हैं बहुत ठंडी जगह है सारा कुछ, लेकिन मुझे कंपैरेटिवली उस तरह फील नहीं हुआ। लेकिन बात वही है ना, क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंड होती नहीं, गर्म इलाके हैं, तो यहाँ पर फिर थोड़ी सी ठंड भी आ जाना, वो इन लोगों के लिए फिर वो ज़्यादा ठंड में आती है। तो बाकी जी इंशाल्लाह अल्लाह खैर खैरियत हमें नीचे ले जाए, तो आज हम रनीकोट में करेंगे जी कैंपिंग, और इंशाल्लाह मज़ा आएगा रनीकोट आज विज़िट करना है हमने। अल्लाह करे नीचे फॉग ना हो, मौसम क्लियर मिले धूप वाला, ताकि कुछ हम सीन्स अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें। वो सामने वाला जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ऐसे क्लिफ सा बना हुआ, उसके हमने उस तरफ जाना, और वहाँ से जो कल चढ़ाइयाँ थी वो भी ज़रा ख़तरनाक थी, और उतराइयाँ कंपेरेटिवली ज़्यादा थोड़ी सी ख़तरनाक है, क्योंकि ग्रेवल है सारी। क्या खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं यार, समर में ये जगह क्या लगती होगी, फुल ग्रीन और सही नॉर्थ वाली वाइब आती होगी यहाँ के लोगों को। चलें जी, अच्छा एक अच्छा स्पॉट है, बस इसको साफ़ सुथरा रखें और गंदगी ना फैलाएं, जो भी कचरा लाते हैं उसको वापस लेके जाएं, प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, ताकि ये जगह साफ़ सुथरी रहे, पहाड़ों का हुस्न वैसे ही रहे। ओके जी, ये वाला पहाड़ है, इसके बाद वाली जो उतराइयां हैं ना और चढ़ाइयां, जो आती हुई चढ़ाइयां जाती हुई उतराइयां, तो ये थोड़ी सी डेंजरस समझी जाती हैं। लेट्स सी क्या होता है। आते हुए तो मुझे खैर सच कोई ख़तरनाक फील नहीं, मैं बड़ा इजीली आया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने कल भी नोट किया, ये वाटर टैंक्स बने हुए बहुत ही बड़े बड़े, और जगह जगह आपको ये नीचे पाइप ही जा रहा है, पूरे रास्ते पर ये रोड के साथ साथ जा रहा है। ये तकरीबन 7 इस तरह के बड़े टैंक्स हैं नीचे से टॉप तक, और एक एक टैंक लाखों के हिसाब से जो ना पानी को स्टोर करता है, क्यूसेक्स या जो भी इसका होता है यूनिट उस हिसाब से, और अच्छा खासा पानी है जो गोरख में भी यूज़ होता है, और प्लस यहाँ के जो आसपास छोटे मोटे गाँव हैं वहाँ के लोग भी पानी की ज़रूरत पूरा करने के लिए यहाँ से पानी लेते हैं। ये पाइप्स नीचे डिफरेंट एरियाज़ में जा रहे हैं, और ये पानी पहाड़ों से निकलने वाले चश्मे, नाले, बरसाती नाले हैं, बारिशों का पानी, ये वो पानी है जो यहाँ पर इस तरह स्टोर किया जाता है। चलें जी, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं गोरख की उतराइयाँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये
थोड़ी सी जो है ना ख़तरनाक है। लेट्स सी, ग्रेवल है और तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं आ रही कि यार कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगी। चलें जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ पे लूज ग्रेवल है ना, तो उसकी वजह से आपकी बाइक थोड़ी सी स्किड करती है, लेकिन अगर आप स्लो आएं आराम से तो इंशाल्लाह कंट्रोल में चलती है बाइक। ये काफ़ी स्टीप है ना, इस वजह से थोड़ा सा ये डेंजरस फील होता है, बट इट्स ओके, इतना कोई नहीं है, ग्रिप अच्छी है। तो जनाब, गोरख हिल के इन ख़तरनाक तरीन रास्तों पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हूँ कवर्ड विद सलाम तकाफुल कंपनी। और अगर आप लोग भी अपने आप को बीइंग अ ट्रैवल अपने सफ़र को महफूज बनाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से अपने आप को इंश्योर करें, सलाम तकाफुल की सर्विसेज अवेल करें ताकि आपका सफ़र भी मेरी तरह पुरसकून रहे। मैं तो चला जनाब, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल मौजूद है। सी यू। जीप्स भी जो है टूरिस्ट को लेके आना स्टार्ट हो गई हैं। ये वाली थोड़ी सी जो है ना ज्यादा वो है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली भी हो गई, एक और मोड़ रह गया मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। कराची वाले और सिंध वाले जो भी गोरख आ रहे हैं ना, वापसी पे आपने सिंपल पहले गियर में डालें इन उतराइयों में बाइक को, फ्रंट ब्रेक को हल्का सा प्रेस करके रखें और बाइक को फ्री ना छोड़ें, ना तो क्लच दबाएं और ना ही ब्रेक छोड़ें, और पिछली ब्रेक कम से कम यूज़ करें, बाइक आराम से नीचे उतरेगी, कोई टेंशन ही नहीं है। उतराइयों से मैं नीचे उतर के आ रहा हूँ, वो इस बड़े वाले पत्थरों से उस तरफ से मैं आया हूँ। अच्छा खासा डेंजरस व्यू है यार यहाँ से। ये रोड की आप सिचुएशन चेक करें, ये एक साल पहले ना सैलाब से पहले, जो सिंध में सैलाब है तो उससे पहले ये नई रोड बनी थी, और अभी भी आपको देखें ना बिल्कुल ब्रांड न्यू कारपेटेड रोड बनाई थी। लेकिन ये जो गाजी नाला है इसमें आता है जी बलूचिस्तान के पहाड़ों से पानी, क्योंकि बलूचिस्तान है ये सारी कीर्थर नेशनल पार्क की रेंज है, ये सारा इन पहाड़ों के उस तरफ सारा बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले हैं, तो वहाँ से आता है जी पानी जो कि गाजी नाले के थ्रू यहाँ से गुजरता है। और ये देखें, ये सारा पानी की जगह, यहाँ से पानी गुजरा है सैलाब का, ये बड़े बड़े पत्थर लेके, और चेक करें ये तकरीबन 100 मीटर 200 मीटर की जगह है जो पूरी बहा के रोड की ले गया है, और इतना शदीद मैसिव किस्म का दरख्त भी बीच में और सारा कुछ, तो ये जगह जगह से इस रोड को पूरा तबाह किया है। ऊपर से फिर गोरख का अपना पानी भी आता है नीचे, वो भी इसी नाले में आके गिरता है, तो ये सारी रोड तब तबाह हुई। अदरवाइज ये साल पहले बड़ी अच्छी रोड थी, बहुत ना होने के बराबर, शायद 10% ऑफ रोड हो, बाकी 90% बेहतरीन रोड थी, तो ये सारी अभी तबाह हो गई है। ये देखें ना कितनी बेहतरीन रोड बनी हुई है, और ये देखें ना जो रोड बनाने वाली मशीनरी थी वो अभी इधर ही है, अभी वो भी वापस नहीं गई थी कि रोड को जो है ना सैलाब बहा के ले गया। यहाँ से देखें कितना ब्लैक फिट सा रोड बनी हुई है। ओके जी, फाइनली फाइनली बैक ऑन इंडस हाईवे। सही वाली जो है ना ऑफ रोडिंग की है, और हालत जो है मट्टी मट्टी हो गई है। वाह यार, ये तो कोई मुझे झील वगैरह सी लग रही है, बड़ा खूबसूरत सा
नज़ारा है, साथ में गंदम के खेत और बड़ा खूबसूरत सा सीन है। मैप में भी दिखा रहा है, काफ़ी ज़्यादा पानी है इस साइड पे, कोई दरिया है, कोई नाला या क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार। ये वाला ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ों के बिल्कुल मैं करीब से चल रहा हूँ। छोटी छोटी हिल्स हैं और इनके उस तरफ से जो है ना रेलवे ट्रैक गुजर रहा है। यहाँ ऊपर से ये रेलवे ट्रैक जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत रोड है यार ये, इसके व्यूज़ बहुत ही आला हैं, बहुत ही आला व्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी, इस्लामाबाद से नहीं, रनीकोट फोर्ट कराची कल। हाँ नहीं, आज उधर ही रुकूंगा, कल कराची जाऊंगा। हाँ नहीं यार, मेरे असल में कुछ दोस्त वेट कर रहे हैं यार, कसम से कुछ दोस्त वेट कर रहे हैं। ये आगे सन के पास ना, रनीकोट होटल के पास। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक है आप? ठीक है, थैंक यू जी। यार जल्दी से फिर चाय पियेंगे, मैं फिर निकलूंगा क्योंकि वेट कर रहे हैं वो लोग। ओके जी, चाय ब्रेक ली हमने थोड़ी सी, कुछ भाई हैं यहाँ पे दादू के, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाम बता दें अपने अपने। नाम उस्मान, आयान है, शामिर, ओके शामिर, जानी इस्माइल पमर, ओके, और आप? अवैस। चाय आ गई है जी ट्रेडिशनल स्टाइल में, कप्स में। मैं पिछले 3-4 दिनों से ऐसी ही चाय पी रहा हूँ इसी तरह कप्स में ना, तो चाय काफ़ी मज़े की होती है जी, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। उसके बाद तकरीबन मेरा 30 किलोमीटर्स का मज़ीद डिस्टेंस रह गया। चले यार, अच्छा वैसे मैं ब्रेक का सोच ही रहा था, एक एक बहाना मिल गया। ओके जी, यहाँ से मुझे गूगल क्या कर रहा है यार, ये रॉन्ग वे पे मुझे क्यों गूगल डाल रहा है। ओके, होटल तो यही था यार, रानीकोट मॉल्ट। और अरे किसको ढूंढ रहा है रे तू? फाइनली जी मैं पहुंच चुका हूं सन में, और यहीं से रनीकोट का जो है ट्रैक स्टार्ट होता है। तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा यहां तक लगेगा। कुछ मेरे हैदराबाद के सब्सक्राइबर्स, कुछ बाइकर्स दोस्त जो है वो आ रहे हैं आज की कैंपिंग में ज्वाइन करने के लिए, तो मैं उनसे थोड़ा पहले पहुँच गया हूँ, वो थोड़ा सा लेट है, उनके यहाँ पर मैं कर रहा हूँ जी वेट। जैसे ही वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर, आप बिस्मिल्लाह करें। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मैं सिर्फ उनका वेट कर रहा हूँ। ये व्लॉग में आप आ गए हैं, सो जनाब वेट कर रहा हूँ दोस्तों का, जैसे ही वो आते हैं तो यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं। इन द मीन टाइम मुझे वैसे यहाँ से लंच की ऑफर भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, कहाँ से आप लोग? अच्छा आप तो फिर इधर की हैं ना। सही 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 सही, मैं इस्लामाबाद से हूँ। बहुत शुक्रिया जी लंच के लिए, मेरे असल में कुछ दोस्त आ रहे हैं तो उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, हमने आगे रनीकोट जाना है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गए यहाँ पे वेट करते हुए, और भाई लोग अभी तक नहीं पहुँचे। अब तो ऑलमोस्ट रात होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा, आई डोंट नो क्या रिकॉर्ड कर पाएंगे क्या नहीं, तो लेट्स सी। मैंने कहा फाइनली, मैंने आते साथ ही मैंने कहा यार 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं, उन्होंने यही कहा था। मैंने कहा यार चाय नहीं मंगवाता वरना चाय पीते पीते वो पहुंच जाएंगे, और अभी पूरा 1.5 घंटा एग्जैक्टली 4 बजे पहुंच गया था, 5:30 हो गए हैं। अब फाइनली मैंने कहा यार मैं चाय मंगवा ही लूँ,
फाइनली जी तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ये आवाम पहुंच चुकी है। पूरे 1 घंटा 50 मिनट लेट, क्या पेनल्टी होनी चाहिए हैं? 1 घंटा 50 मिनट पे खाना और रहायश हमारी तरफ से फ्री होगी, ये पेनल्टी नहीं है। कैसे है ठीक है यार, अगर मुझे पहले बता दे तो मैं थोड़ा रास्ते में कहीं चला जाता, इतना अच्छा सनसेट हो रहा है उसको। आपको सुबह इंशाल्लाह सनसेट कराएंगे, वीडियोस बनवाएंगे। हाँ लाजमी, क्योंकि हमने रनिकोट को पूरा एक्सप्लोर करना है। ये है जी अब्दुल समद भाई, जिनको आप ऑलरेडी जब मैं सखर की तरफ राइड कर रहा था तो ये मेरे साथ थे, ठीक है। बाइक डिफरेंट थी लेकिन बंदा यही बंदा सेम है। चलें जी बाकी लोग बस आ रहे हैं, बता दो। मुझे लगता है मगरिब इधर से ही पढ़ के निकलेंगे, आपसे मुलाकात होगी सनराइज के टाइम पे। ऐसे ही है समद भाई, जब मैं यहाँ पहुंचा 4 बजे आप निकल रहे थे ना हैदराबाद से, यार बड़े अफसोस की बात है यार, बंदा बता देता है मेरे को आस पास कोई और जगह एक्सप्लोर कर लेता। यार चेक करे कितना फिट सनसेट हो रहा है, और ये सनसेट हमने देखना था रनी कोर्ट पे। अभी फाज भाई का इंतजार हो रहा है, ये दूसरे भाई साहब आ रहे हैं लेट 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 लेट। कराची वालों की आदत है हमेशा लेट आना। हाँ हैदराबाद, सॉरी हैदराबाद, कराची वाले नाराज नहीं हो ना भाई, ये हैदराबाद के हैं, दोनों हैदराबाद के हैं। ये है जी फाद भाई, इनको भी आप हैदराबाद वाले व्लॉग में देख चुके हैं। चलें जी हमने अपनी राइड स्टार्ट कर दी है दोबारा टूवर्ड्स रनिकोट फोर्ट, 14 किलोमीटर यहाँ से आ रहा है, और समद भाई लीड कर रहे हैं, फिर फाद भाई हैं और एंड पे मैं हूँ। और लेकिन थोड़ा सा प्लान इन्होंने कुछ और कर दिए, अभी बता भी नहीं रहे, पता नहीं ये ले के कहाँ जा रहे हैं भाई, किडनैप तो नहीं कर रहे। चलें जी अल्लाह खैर करे, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं ये। थैंक यू सर, थैंक यू। भाईजान हम सहरा में रास्ता भटक गए और फोर्ट हमें नज़र नहीं आ रहे, रात हो चुकी है, फुल अंधेरा, कभी हम इधर जा रहे हैं कभी उधर, क्योंकि सैलाब की वजह से रास्ते टूट फूट गए हैं तो नेविगेशन भी सही से गाइड नहीं कर रही। तो अभी एक और रास्ता हमें नज़र आया है, लेट्स सी। चल अल्लाह करे कि हमें ये ले जाए फोर्ट तक। ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ऑलमोस्ट जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे निकल आए खैर खैरियत से। बड़ी वाटर क्रॉसिंग थी, पानी तो अभी इसमें थोड़ा कम ही था, लेकिन यस चलें अब थोड़ी फील आ रही कि अब हम फोर्ट के करीब कहीं पहुंच गए हैं। हाँ हाँ चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अराइव्ड एट रनिकोट फोर्ट। सामने वो हल्की हल्की वॉल्स नज़र आ गई हैं, हम लेट काफ़ी हो गए, शाम के 7 बज चुके हैं, फुल अंधेरा। फोर्ट तो इंशाल्लाह आपको सुबह ही दिखाऊंगा। ओके जी फाइनली हम रनिकोट फोर्ट पहुंच चुके हैं, रनिकोट फोर्ट के एरिया में। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, होटल कह लें, और जब यहाँ हम पहुँचे तो फुल अंधेरा अंधेरा था। फिर बड़ी मिनते तरले करने के बाद फाइनल उन्होंने जनरेटर ऑन किया, हमने रूम ले लिया है, प्लान कैंपिंग का था लेकिन जैसे कि आपने देखा थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसी में शायद अल्लाह की बेहतरी हो। तो अभी हम लोग ने सामान रूम में शिफ्ट कर लिया है, फ्रेश हो गए हैं और साथ ही साथ अपने बारबेक्यू का सेटअप स्टार्ट कर दिया है। और मज़े की बात इस बारबेक्यू का यहाँ आके पता चला कि आज हम बारबेक्यू खाने लगे हैं। फहद भाई पहले नहीं पता था। अच्छा क्या बात है जी, ये इन लोगों ने रेडी किया था, जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त हो गया, ये आ गया जी, फिट हो गया जी, फिट हो गया। रास्ता थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा ख़राब है, ऑफ रोड है, जब से सन वाले टर्न से जो है ना हम इस तरफ हमने टर्न किया तकरीबन 1 घंटा लग जाता है आगे। रास्ते में रेत भी है, ग्रेवल भी है, ऑफ रोड है छोटा मोटा लेकिन थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए टाइम लग जाता है। और रास्ता मैं आपको नहीं दिखा सका, हम लेट हो गए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग होगा मेरा, यहाँ से मैंने इंशाल्लाह वापस कराची की तरफ निकलना है हैदराबाद से होते हुए, कल रनिकोट फोर्ट, मीरीकोट फोर्ट, या वो जो परियों का क्या है, परियों जो थर्ड जो है, वो हम 3 जगह कल सुबह एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो रास्ता है वापसी का वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैंने कराची की तरफ निकलना होगा। और पीछे हंस रहे हैं कि यार आपने सिंधी का वर्ड बोला है,
जितना भी आप आहिस्ता बोल रहे ना भाई, मैंने सुन लिया, इतनी सिंधी मैं सीख गया हूँ। परियों जो थड़, परियों का जो का मतलब होता है थड़, जिस तरह था ना मारवी जो खू, ठीक है, हाँ तरवट जो थल्लो, सही है। तो इतनी सिंधी हम भी सीख गए। बारबेक्यू का तो अभी इंतजार ही हो रहा है, लेकिन साथ में टमाटर आ गया। ये नमक है, नमक की डली है और साथ में टमाटर। सर इतना ज्यादा बारबेक्यू, थैंक यू सर। हाय हाय हाय, क्या बात है। देखते हैं कि हसन भाई का रिकॉर्ड टूट पाता नहीं। देखें करीब लैंड यू भजन, बड़ा जूसी बारबेक्यू बना है। ये अमार भाई का बारबेक्यू हम भी खाए। भजन चस आ गई। यार बहुत ही मजे का बना है। कौन सा मसाला डाला है इसपे? अमार भाई घर होममेड था, पैकेट वाला नहीं था। हैदराबादी बारबेक्यू हम खा रहे हैं जी, रनी कोट में जामशोर जिले में बैठ रहे। चले जी एंजॉय करते हैं बारबेक्यू। सलाद दिखाएं यार, मेरी सलाद दिखाएं। क्या बात है, ओके जी हम आ चुके हैं अंदर रूम में। ये है कुछ हमारा रूम जिसमें आज हमने स्टे करना है। करनी तो हमने कैंपिंग थी बट और साथ में हमने जी आलू भुजिया ही कह लें इसको, और साथ में चिकन आ गया हमारा। आगे करें जी रोटी। वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं ना वो दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। जैसे ही खाना स्टार्ट करने लगे तो एक्सीडेंट हो गया रास्ते में मेरा। ना करो, गाड़ी हिट हो गई। कैसे किससे हिट हो गई बता। चलो बैठो बैठो, मेरे खाना खाओ, आ जाओ आ जाओ। छोड़ किस बात अच्छी थी कि हां हॉस्पिटल करीब था माजन पे। ओए आपके इधर भी बोलो कैसे कहां लगी है चोट? चोटें लगी है। ना करो, किस्मत ने साथ दिया, बचा रहे। हाँ 10,000 के ले लो। चेक करें जी, रात के टाइम हम वॉक करने हैं खाना खाने के बाद। हमने कहा चलो यार चलते हैं जो रनी कोट की वॉल है द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध, उसके ऊपर वॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पे गेट को जो है लगा हुआ है ताला। वैसे यार ये ज्यादती है, इतने बड़े गेट के साथ इतना छोटा सा ताला नहीं फिट का हो रहा। ये पहले नहीं होता था यहाँ ताला, नहीं है ताला, नहीं होता जगह, ये गेट खुला होता था पूरा। भाई का नाम क्या था? अब्दुल रहमान वकार। अच्छा वो दूसरे हैं रनीकोट वकार भाई। थैंक यू जी बॉय। ओए यार कितना फिट कप है। चलें जी, फोर्ट तो बंद था, वॉक थोड़ी सी हमने कर ली है, चाय पीते हैं। पहले तो तू भी नहीं। अमार भाई क्या है ये? चाबियां हम ले आए हैं जी चुरा के, और खोलते हैं जी। ओए होए होए, खोल तो गया, पता चले हम अंदर घुसे पीछे से ताला लगा पूरी रात अब अंदर ही। चल बंद करके कुंडी लगा दे, कैमरा दे दो, मैं चला जाऊं। और नहीं इतना बड़ा आपने पहले नाइट व्लॉग देखे रनीकोट फोर्ट का? नहीं देखा ना, आया आज आपको दिखाते हैं। और रात के 10 बज रहे हैं इस सुनसाने में, इस वीराने में। हम सिर्फ 4 लोग हैं और ये हैदराबाद वाले भाई मुझे डराने के लिए ला रहे हैं। वॉल चौकिंग, पियर्सिंग, वॉल ऑफ सिंध पे घूमते हैं। अच्छा ये मंदिर एंट्रेंस है, गलत साइड पे, वैसे लेफ्ट वाली वॉल पे जाना चाहिए था। ये पूरा घूम के वापस आएगा। चले आए, ये तो 32 किलोमीटर है, कनेक्टेड है। ऊपर या नीचे? इधर सारी वॉल है, ऊपर चले। हाँ भले इधर है। चांद देखें यार।
लेट होने का ये फायदा हुआ कि हमने रात में देखी है रनिंग कोट। देखिए स्पेशल हम चाबियां लेके आए, गेट ओपन किया,